समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी से ही विधायक शिवपाल सिंह यादव हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वो यशवंत सिन्हा को वोट करेंगे और व्हिप भी जारी की गई, बावजूद उसके आपने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया, आखिर क्या वजह रही? आज देश में सबसे उच्च सर्वोच्च पद का चुनाव होने जा रहा है, तो हमारी तो राय यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को आम सहमति से इस पद पर किसी को विवादित नहीं होना चाहिए। और फिर हम तो अब सबसे पहले तो बधाई देते हैं देश के प्रधानमंत्री को, उन्होंने एक आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाया है। और फिर जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने ISI का एजेंट नेताजी को बताया है, तो उसको फिर जो पक्के कट्टरवादी समाजवादी हैं और नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, वो कभी नेताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नेताजी का सबसे ज़्यादा अपमान अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो भी मूवमेंट चलाते थे नेताजी, उनको अपमानजनक शब्दों से भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको नवाजते थे। और आज हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन इसलिए नहीं कर रहे हैं, यशवंत सिन्हा का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी एक विचारधारा है और विपक्ष का हम दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। देखिए, हमने भी देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा है, मोदी जी को देखा है, आडवाणी जी को देखा है और सभी भारतीय जनता पार्टी को। ये सही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही है, आज भी मैं देख रहा हूँ, आज भी देख रहा हूँ नेताजी का सम्मान कौन लोग करते हैं। आप लोगों को भी पता है, पूरे देश की जनता को पता है नेताजी का सम्मान कौन करते हैं, कौन अपमान करते हैं। अब उन्हीं में से अपमान करने वाले ISI का एजेंट बताने वाले, तो कोई भी जो भी कट्टर समाजवादी है, नेताजी के आदर्शों पर चलने वाला लोग है, नेताजी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्या सिर्फ यही एक वजह रही कि उन्होंने ISI का एजेंट कहा था नेताजी को, इसलिए आप द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं, या इसके पीछे और भी कोई वजह थी? देखिए, मैं तो मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने एक आदर्श जो प्रस्तुत किया है, जो आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाया है। आपने तो देखा है लोहिया जी से लेकर के कितने लोग कहते थे कि जो आदिवासी और जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको विशेष अवसर मिलना चाहिए, तो मोदी जी ने आदिवासी महिला को विशेष अवसर देने का काम किया है, तो हम तो उनको बधाई देना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा हम लोहिया जी के विचारों पर अडिग हैं, और लोहिया जी ने ये कहा था अगर सच्चाई के लिए हमको अकेला भी खड़ा रहना पड़े तो हम अकेले खड़े रहेंगे, आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे, चाहे जो है वो किसी ने हमारा सहयोग किया हो, हमारे अपने लोगों ने या ना किया हो। तो लोहिया जी के आदर्शों पर तो हम चल रहे हैं। अच्छा, उन्हें पूछो कि कितने मीटिंगों में हमें बुलाते हैं, जबकि मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ, विधानमंडल मीटिंग में क्या। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, आज समाजवादी पार्टी में आजम भाई को छोड़ करके बताइए हमसे सीनियर कौन है? क्या मुझसे सुझाव लिया गया, मुझसे क्या सुझाव लिया गया, क्या विधानमंडल दल की मीटिंग में बुलाया गया, क्या पार्टी की मीटिंग में बुलाया गया? तो ये क्या नेताजी से सुझाव लिया, नेताजी से बातचीत की? नेताजी से भी बातचीत इस पूरे मामले में नहीं हुई है? नहीं, नेताजी को भी नहीं पूछा गया है, नेताजी को भी
नहीं पूछा गया ना मुझको पूछा गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक व्हिप जारी की गई थी अपने विधायकों के लिए कि वोट यशवंत सिन्हा को करना है, तो क्या वो व्हिप की कॉपी आपको भी मिली? देखिए, सर्वोच्च पद पर, इस सर्वोच्च पद पर चुनाव जो हो रहा है, इसमें पहले तो संवैधानिक पद है, इस पर व्हिप लागू नहीं होता है। और वैसे मुझे तो न कोई पत्र मिला, न व्हिप की कॉपी मिली, न बुलाया गया, न विधानमंडल की मीटिंग में बुलाया गया, न पार्टी मीटिंग में बुलाया गया। तो आखिर ये नाराज़गी और ये बगावत जिसको कहेंगे, ये कब तक चलती रहेगी शिवपाल जी? ये कब तक चलेगी आखिर, ये इस तरह से कब तक चलता रहेगा? अब उन्हीं से पूछिए, अगर ये बातें नहीं होती तो आज तो मुख्यमंत्री होते, सत्ता पक्ष में बैठे होते, इसी का तो ये परिणाम है। बातचीत के लिए शुक्रिया। शिवपाल यादव ने बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी बातें कहीं और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम लोगों को तरजीह दी गई होती आज़म खां के अलावा दूसरे नंबर का अगर कोई वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी में है तो वो शिवपाल यादव हैं, अगर आज हमारा साथ लिया गया होता तो वो मुख्यमंत्री के पद पे बने होते। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम लोहिया जी के विचारों पे चल रहे हैं और जसवंत सिन्हा को वोट देने के बारे में ना हमसे कोई किसी ने राय मशवरा किया और ना नेताजी को इस बारे में जानकारी दी गई। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।